हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोग से मैं GKGS का टेस्ट लूँगा, स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी GKGS की तैयारी अच्छी है। और भी वीडियोज अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट वीडियोज मिल जाएंगे। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन गया है कि मोहन जोदड़ो का स्थानीय नाम था क्या? सभी लोग भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। मोहन जोदड़ो का स्थानीय नाम था, ध्यान रखिएगा, मृतकों का टीला। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में पूछे कि मोहन जोदड़ो की खोज कब की गई थी? 1922 में की गई थी। किसने खोज की थी? रखालदास बनर्जी ने। और पूछे कि वृहद स्नानागार का जो है साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था? मोहन जोदड़ो से ही प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? जवाब दीजिए सब लोग। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना जो है किसमें की गई थी? ये की गई थी पाली पाठ में। किसमें की गई थी भाई? पाली पाठ में की गई थी। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आता है, जैन धर्म से क्वेश्चन आता है, क्योंकि सिलेबस में इसका डायरेक्ट मतलब जिक्र किया गया है कि इनसे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल याद रखना है, लुम्बिनी इनका जन्म स्थल है। ठीक है, और ये जो है 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग दिए थे। ठीक है, 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति जो है कहाँ हुई थी? बोध गया बिहार में हुई थी। और ये अपना प्रथम प्रवचन यानी कि उपदेश जो है कहां पे दिए थे? सारनाथ में दिए थे, पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश की बात की गई तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पे दिए थे? सर्वस्थी में दिए थे। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ये आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। ठीक है, और इनका महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु जो है कहां पे हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, चलिए, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इंकार कर दिया था? और भी डिटेल में आपको मैं पढ़ाऊंगा। जैन धर्म हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, बौद्ध धर्म हो गया। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इंकार कर दिया था? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? 4 बार, 1 बार, 3 बार, 2 बार। तो प्रथम बार ये तो 1664 में जो है लूटे थे सूरत को। ठीक है, और टोटल हम बात करें तो ये जो है कितनी बार सूरत को लूटे हैं? 2 बार। ठीक है, ऑप्शन इसका जो डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रथम 1664 में लूटे थे और दूसरी बार 1670 में। ठीक है, चलिए, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला प्रश्न है। भारत में सिपाही विद्रोह की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? तो सिपाही विद्रोह की शुरुआत 1857 में जो है कहाँ से शुरुआत हुई थी? इसकी मेरठ से शुरुआत हुई थी। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? छठवा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट जी। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, महात्मा गांधी ने किस वर्ष में जो है नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था? किस वर्ष? उस वर्ष का नाम बताइए। तो महात्मा गांधी ने वर्ष 1894 में नेटाल भारतीय कांग्रेस का जो है गठन किए थे। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन भारत आया था कब? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत आया था कब? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? कौन सा उपन्यास जो है भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो जो उपन्यास है वो है आनंद मठ। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आनंद मठ जो है बहुत पूछा जाता है, ये उपन्यास किसका है? बाकिम चंद चटर्जी का है। ठीक है, परीक्षा गुरु किसका है ये आप लोग बताएं। चलिए, भारत का जो है पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था ये आप लोग बताएं। तो यहाँ पे भारतीय गवर्नर जनरल की बात हो रही थी, तो भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है?
क्षेत्रफल में बात की जाए तो विश्व में सातवें नंबर पर है, जनसंख्या में दूसरे नंबर पर है और बहुत ही जल्द फर्स्ट पे आने वाला है जनसंख्या में, ठीक है, वर्ल्ड में पूरे इंडिया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोड़दार पर्वत का एक उदाहरण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोड़दार पर्वत का एक उदाहरण नहीं है, आरावली इसमें नहीं है, ठीक है, हॉफन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। होंडरू जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है, होंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, एक क्वेश्चन जलप्रपात से बहुत पूछा जाता है, जोग जलप्रपात ये कर्नाटक में है, ये जो है शरावती नदी पर है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो होंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, ये आप लोग बताएं सभी लोग, ये सुवर्ण रेखा पर है, किस नदी पर है, सुवर्ण रेखा पर है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किस राज्य में है, झारखंड राज्य के राज्य में है, रांची में, ठीक है। चलिए, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है, ग्रैंड कैनियन जो है किस नदी पर है, जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है, तो ग्रैंड कैनियन जो है यूएसए के कोलोरेडो नदी पर स्थित है, ठीक है, कोलोरेडो नदी पर, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है देश, तो कजाकिस्तान इसमें जो है प्रथम स्थान पर है और सेकंड पे आपका कनाडा हो जाएगा, थर्ड पे आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है, अगर राज्य पूछता तो उत्तर प्रदेश है टॉप पे, तो यहाँ पे भारत का स्थान पूछा जा रहा है संसार में दुग्ध उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान है, ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है, 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग, तो राजकोषीय घाटा का अर्थ है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर, यही राजकोषीय घाटा का अर्थ है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था, तो भारत में योजना आयोग का गठन जो है 1950 में किया गया था, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी, तो अब जो है 12 हो गई है भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तापतर क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तापतर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की जो है विद्यमानता, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया, 21 का जवाब देंगे, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया, तो ये किया था 26 जनवरी 1949 को, ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, ठीक है, पूर्णतः संविधान भारत में। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है, 22 को जवाब देंगे सभी लोग, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है, अनुच्छेद 19-22 में, ठीक है, वर्णित है। चलिए, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार जो है 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था, कितनी बार, तो केवल एक बार ही बढ़ाया गया है, ठीक है, 1975 में आपातकाल के दौरान, मतलब 5 वर्ष का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष कर दिया गया था, तो एक बार आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, अगले प्रश्न को चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, 65 वर्ष, ठीक है, वहीं अगर उच्च न्यायालय पूछता तो 62 वर्ष, ठीक है। चलिए, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, तो 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ जो है का गलनांक क्या होता है, घट जाता है या बढ़ जाता है, या पहले घटता है या बढ़ता है, अपवर्तित रहता है, क्या होता है, तो बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक होता है वो क्या होता है, घट जाता है, ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न को चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया, इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन है, जे जे थॉम्सन है इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक, सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है,
शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है शुष्क बर्फ, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो वो है छोटी आंत, ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा जो है अंग जिम्मेदार है? लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो वो जिम्मेदार है अस्थि मज्जा, ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस। इन 30 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हो तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स रहती हैं, वो अपडेट्स आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी, ऑथेंटिक अपडेट आपको देखने को मिलेगी। कुछ भी डाउट्स रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।